कलियुग के राम काल में बजा हनुमान का डंका। जैसे ही राम दोस्तों पिछले साल आदि पुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल रिलीज हुई है फिल्म हनुमान। आदि पुरुष का बजट था 600 करोड़ रुपए और हनुमान बनी है सिर्फ 25 करोड़ में, लेकिन मूवी की कंप्यूटर ग्राफिक्स स्पेशल इफेक्ट्स और VFX को देखकर ये मूवी हॉलीवुड DC मार्वल की मूवी की याद दिला देती है। और इस मूवी को देखकर बॉलीवुड और आदि पुरुष के निर्माता ओम राउत को सीखना चाहिए कि मूवी कैसे बनाते हैं, वो भी बिना किसी स्टार और इतने कम बजट में। अगर हनुमान मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने आदि पुरुष बनाई होती तो शायद मूवी और प्रभास दोनों सुपर हिट हो जाती, लेकिन कौन समझाए इन बॉलीवुड वालों को। अगर बात करें मूवी की स्टोरी की तो यह कहानी शुरू होती है हनुमान जी की जन्म स्थली से, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की थोड़ी सी गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन जाती है। यह मणि उसी गाँव के एक साधारण से लड़की को मिल जाती है, लेकिन वह मणि की शक्तियाँ दिन में ही काम करती है। और इसके साथ ही यहाँ एक विलेन होता है जो मणि को छीनकर उसकी सारी शक्तियाँ लेकर दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बनना चाहता है। मूवी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हनुमान के साथ और दूसरा हनुमान के बिना। जो पार्ट हनुमान के बारे में है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खासकर जब तब एक बंदर ये कहानी अपनी आवाज में सुनाए तो भूल नहीं पाओगे इस सीन को। हनुमान मूवी की शुरुआत होती है एक बैंक डकैती से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। और मूवी के क्लाइमैक्स में जो लॉर्ड हनुमान का सीन है उसे देखकर बॉलीवुड की बोलती बंद हो जाएगी। लॉर्ड हनुमान का ऐसा सीन भारतीय सिनेमा में आज तक देखने को नहीं मिला। साउथ की ये मूवी भाई कमाल है। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने जिस तरह स्टोरी को प्रेजेंट किया है उसे देखकर डायरेक्टर को सलूट करने का दिल करता है। ये मूवी पैन इंडिया मूवी है और यह बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से भी ऊपर कमाई करेगी। मूवी देखने का असली मजा तो थिएटर में ही है। फिल्म में हनुमान जी का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो उनके भक्तों के लिए वरदान से कम नहीं। मूवी को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। मूवी में इमोशन का भी तड़का डाला गया है। हनुमान के रोल को एक्टर तेजा सज्जा ने बखूबी निभाया है। मूवी का म्यूजिक भी काफी दमदार है। जब से मूवी में मंत्रों व हनुमान चालीसा का जाप होता है तो ऐसा लगता है जैसे मूवी सिनेमा घर में नहीं बल्कि मंदिर में चल रही हो। पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। हनुमान मूवी पूरे बॉलीवुड पर एक तमाचा है। सच बात तो यह है कि साउथ में डायरेक्टर और एक्टर की कमी नहीं है, ना ही कंटेंट की कमी है, तो बस बजट की। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट में जरूर बताएं मूवी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।